नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। विजय रूपानी ने आज गुजरात के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपकर पीएम मोदी और अमित शाह को धन्यवाद दिया। बता दें कि दिसंबर 2022 में गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहा है कि रूपानी के इस्तीफे के बाद गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि इस रेस में चार नाम सबसे आगे चल रहे हैं, जिनमें सबसे पहला नाम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का है। दूसरा नाम वर्तमान डिप्टी सीएम नितिन पटेल का है, वो भी अगले मुख्यमंत्री पद की रेस में चल रहे हैं। इसके अलावा दो और नाम सीआर पाटिल और पुरुषोत्तम रूपाला है। आज तक में छपी खबर के मुताबिक केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने बताया कि राज्य के अगले मुख्यमंत्री को लेकर मंथन चल रहा है और कुछ ही देर में वो नाम भी सामने आ जाएगा। जब रूपाला से पूछा गया कि क्या आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उन्होंने इस तरह के सवाल का जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी जो जिम्मेदारी मिली है उसको निभा रहे हैं और जो भी जिम्मेदारी पार्टी के द्वारा दी जाएगी उसे भी निभाऊंगा। रूपाला ने बताया कि ये एकाएक हुई घटना नहीं है। विजय भाई 5 साल तक मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं, ये कोई कम समय नहीं होता। पार्टी और एक नेतृत्व के बारे में सोच रही है। नेतृत्व के पास सभी कार्यकर्ताओं के पास पूरा डेटा है और उन्हें जो उचित लगेगा वो उसे जिम्मेदारी देंगे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपने के बाद विजय रूपानी ने चंद मिनटों के लिए मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने अपने फैसले के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी आलाकमान का आभार व्यक्त किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे जैसे एक पार्टी के कार्यकर्ता को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी और मुख्यमंत्री के रूप में मिले इस दायित्व को अच्छी तरह से निभाते हुए मेरे कार्यकाल के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विशेष मार्गदर्शन मिलता रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में गुजरात समग्र विकास तथा सर्वजन कल्याण के पथ पर आगे बढ़ते हुए नए आयामों को छुआ है। गुजरात के विकास की यात्रा में गत 5 वर्षों में मुझे भी योगदान करने का जो अवसर मिला उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। रूपानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष मार्गदर्शन मिलता रहा है, उनके नेतृत्व व मार्गदर्शन में गुजरात ने नए आयामों को छुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।